गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स पार्ट बी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बचे हुए एमसीक्यू को देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में 30 एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग यहाँ पे 31 एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे अपने डिस्कशन को। और आप अच्छे से अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसा कि आपको पता होगा, आपका टाइम टेबल रिलीज हो चुका है और जो आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है वो 30 मई को होने वाला है। सो अब बहुत कम टाइम है, सो आप अपने तैयारी में लग जाइए और जो दोनों एग्ज़ाम हैं वो एक साथ कंडक्ट होंगे। अभी ये कंफर्म नहीं है कि मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, जैसे ही पता चलेगा आपको वो भी बता दिया जाएगा कि मिड टर्म एग्ज़ाम में कितने चैप्टर आने वाले हैं। ठीक, जो मैं बताया हूँ वो उस आधार पर सिलेबस बताया था। जब पिछले बार मिड टर्म और इन टर्म एक साथ हुआ था तो पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आए थे, उस बिहाव पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया। अगर पता चला पैटर्न चेंज होगा तो फिर आपको अलग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जिसको आप जरूर पढ़ कर जाइएगा। ओके, तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ आरसी सर्किट इज, कि आरसी सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है। तो जो 31 नंबर क्वेश्चन है इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो क्या होगा इसका करेक्ट होगा। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ के और इसके आंसर को बोलते चल जा रहा हूँ। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम लिंक है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें पूछिएगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तथा साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप नंबर पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वहाँ से आप उससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देख 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिट ऑफ आरसी इज सेम एज ऑफ, ठीक, कि यूनिट ऑफ आरसी, तो देखिए आरसी क्या आपका टाइम कांस्टेंट है। और मैंने क्लास में बताया था टाइम कांस्टेंट किसको कहते हैं, जिसका यूनिट क्या हो जाए सेकंड निकल के, मतलब टाइम का यूनिट रखता हो, ऐसा क्वांटिटी जो टाइम का यूनिट रखता हो। टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो आरसी का यूनिट क्या था सेकंड था। तो इन चारों में से किसका यूनिट सेकंड होगा, तो आपको पता है कि LR सर्किट में L बाई R जो होता है क्या होता है आपका टाइम कांस्टेंट होता है, इसका यूनिट सेकंड होगा। इसका मतलब क्या होंगे, एक मिनट, इसका मतलब क्या होगा, ये RC और LR क्या रखेंगे सेम, L बाई R क्या रखेंगे सेम यूनिट रखेंगे, और ये ऑप्शन नंबर C क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ओके, अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइम कांस्टेंट इन डिस्चार्ज ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर ऑफ सुने होंगे नाम, इसको कैपेसिटर भी कहा जाता है, ठीक। द टाइम कांस्टेंट इन डिस्चार्ज ऑफ अ कंडेंसर थ्रू अ रेजिस्टेंस इज द टाइम इन विच चार्ज क्यू ऑन द कंडेंसर इज रिलेटेड विद द मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट एच। देखिए इसको आपको ग्राफ बना के क्लास में समझाया गया है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो क्या होगा ए होगा, वो आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होता है, क्यू इक्वल टू 0.368 क्यू नॉट होता है, क्योंकि डिस्चार्जिंग वाला केस पूछा है। अगर चार्जिंग वाला केस रहता तो उसका क्या होता है, इसका वैल्यू एक में से इस वैल्यू को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, चार्जिंग वाला वैल्यू आ जाता है, ठीक। ये सब क्लास में बताया जा चुका है, इस वजह से डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरेड इज डिस्चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस 2 मेगा ओम, द टाइम कांस्टेंट विल बी, तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है आरसी होता है, तो आर का वैल्यू और सी का वैल्यू पुट कर देंगे और जो यूनिट है उसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ मेगा ओम है तो इसको क्या करेंगे ओम में कन्वर्ट कर लेंगे और माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे इसको तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो आएगा क्या होगा, आपका करेक्ट आएगा, कितना होगा, मेगा में देखिए क्या होता है 10^+6 होता है और माइक्रो में 10^-6, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 क्या होगा 2 सेकेंड, ये बचेगा आपका, मतलब 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन करा कि कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 0.1 माइक्रोफैरेड इज फर्स्ट चार्ज एंड देन डिस्चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 मेगा ओम, एक कैपेसिटर है इतने माइक्रोफैरेड का, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पहले चार्ज होता है और फिर क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है एक रजिस्टर के थ्रू, तो कह रहा कि द टाइम कांस्टेंट इन सेकेंड इन विच पोटेंशियल विल रिड्यूस टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू विल बी, तो ऐसा टाइम बताया जिसमें क्या हो जा रहा है अपने वैल्यू का क्या हो जाए वो हाफ हो जाए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या, सॉरी 35 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा,
जो ऑप्शन नंबर ए आएगा क्या आएगा, करेक्ट आएगा। इसको आप फॉर्मूला वैल्यू पुट करके सॉल्व करिएगा, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कंडेंसर थ्रो रेजिस्टेंस द चार्ज ऑन कंडेंसर एट एन इंस्टेंट इज। ठीक, ये भी फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है। इसका जो होगा क्या होगा, इसका डी ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ई सी हो सकता है क्लास में आपको ई की जगह वी लेके कराया गया हो, ठीक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे ई रहे चाहे वी रहे, वो क्या है पोटेंशियल के लिए यूज किया गया, क्या हो जाएगा ई सी वन माइनस ई के पावर माइनस टी वाई आर सी। ठीक, ये क्या होगा आपका, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इन आरसी सर्किट द करेंट एट एनी इंस्टेंट इज, आरसी सर्किट में किसी इंस्टेंट करेंट का वैल्यू क्या होगा, तो ये भी आपको कराया गया है। ये सब रिजल्ट बताया गया था, आप इन रिजल्टों को अपने दिमाग में रखिएगा। तो इसका 37 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, जो बी नंबर ऑप्शन होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, ई वाई आर को देखिए वहाँ आई नाट करके लिखवा दिया गया होगा, वहाँ वी वाई आर क्लास में बताया हूँ, तो वी वाई आर को आई नाट आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन करा कि इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, एल का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द ऑसिलेशन आर कंप्लीटली डैम्प्ड इच। ठीक, ये कंडीशन लिखवाया गया है, उसमें आप पुट करिएगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा, 38 नंबर क्वेश्चन का जो होगा ये आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आएगा, 4 × 10³ ओम्स। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि एल सी आर यल कामा सी एंड आर आर रिस्पेक्टिवली द इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस द कम्बिनेशन विच डज नॉट हैज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। इसमें से कौन सा ऐसा कम्बिनेशन है जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन नहीं रखता। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल सी आर क्या बता रहे हैं, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस बता रहे हैं, तो नीचे दिए गए डायमेंशन में से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो फ्रीक्वेंसी का क्या रख रहा है, डायमेंशन नहीं रखता, विच डज नॉट हैव। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में जल्दी में आप गलत कर देते हैं, नॉट वाला शब्द नहीं याद देते हैं, तो निगेटिव सेंस वाले चीज़ को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन का देखा जाए तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ये करेक्ट होगा। डज नॉट पूछा इसलिए डी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका भी देखिए क्या टाइम कांस्टेंट है, ठीक, ये भी देखिए क्या टाइम कांस्टेंट है। आपको क्या पता है टी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ठीक, तो यहां से देखिए क्या, जब 1/f कर आइए तो ये क्या होगा, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 1/t, और देखिए 1/rc क्या है, ये 1/t का वैल्यू है, टी इक्वल टू क्या होता है, आरसी होता है, तो 1/rc क्या होगा, 1/t होगा। वही देखिए ये भी टाइम कांस्टेंट है एलआर सर्किट में, ये भी टाइम कांस्टेंट है एलसी सर्किट में, ये क्या है टाइम कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से क्या होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कंडेंसर थ्रू अ प्योर इंडक्टेंस इज। ठीक, तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन कितना होगा, तो इसका जो आएगा आपका ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ये सब तो आप इंटर में पढ़े हुए हैं, 1/2π√LC। ओके, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इन एन ऑक्सीलेटरी LCR सर्किट कामा ऑन रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। अगर कोई ऑक्सीलेटरी LCR सर्किट है, अगर रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगा, तो क्या रेजिस्टेंस जब घटेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, जब उसके माध्यम में आने वाले बाधाओं को हम कम करेंगे तो उसका ऑक्सीलेशन क्या होगा, अच्छा खासा होगा। ओके, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द कंडीशन ऑफ बैलेंस एसी ब्रिजेज, बैलेंस एसी ब्रिज का कंडीशन पूछ रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, आपको एक सब कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ इसका, इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि एन एसी ब्रिज कैन बी यूज टू डिटरमाइन। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 44 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि
फॉलोइंग ब्रिज कैन बी यूज टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। ठीक, इसमें से कौन सा ऐसा ब्रिज है जो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के काम में आता है? तो आप याद रखिएगा विंस ब्रिज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी निकालने के काम में आता है। ओके, तथा साथ साथ विंस ब्रिज का डिस्टेंस मेजर करने के भी काम में आता है। ठीक ना, अब यहाँ देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेयरिंग ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन, शेयरिंग ब्रिज किसके लिए हम यूज़ करते हैं? तो 46 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए कंडीशन बताए थे ना, लम्हों में जीते हैं, सीडीएस विंस की तैयारी करते हैं, तो वहाँ से आप तरीका याद रखिएगा जो पार्ट ए में बताए थे। ओके, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डिटेक्टर इन एसी ब्रिज इज, एसी ब्रिज जो डिटेक्टर होता है क्या होता है, हेडफोन होता है, तो आप फिगर बनाए होंगे उसमें दिखे होंगे, तो ये सब क्वेश्चन तो एग्जाम में आते थे, गिफ्ट है आपके लिए। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड ऑन टू इंपेडेंस Z1 एंड Z2 ज्वाइन इन सीरीज देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Z1 विल बी, तो Z1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आप पढ़े हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया जाता है, तो Z1 के अक्रॉस जब पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आएगा। ओके, मैं देखिए फिर से कर रहा हूँ, सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज जो वीडियो 10 मिनट बनेगा वो वीडियो चल जाएगा 40 मिनट में, और जब वीडियो लंबा होता है तो आप फॉरवर्ड करते हैं, मतलब भगा भगा देखने लगते हैं, और उस चक्कर में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्किप कर जाते हैं। इस वजह से मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा के आंसर बता दे रहा हूँ। हाँ, अगर कहीं आपको डाउट हो रहा है तो व्हाट्सएप नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या टेलीग्राम लिंक रहेगा, वहाँ से आप सोल्यूशन ले सकते हैं। ओके, और बाकी जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं ऑफलाइन वो क्लास में ही पूछ सकते हैं। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्टिव कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्टिव कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज। ठीक, तो इसमें देखिए 49 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट के कैटेगरी में आते हैं, बाकी रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ये सब क्या आपके पैसिव इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होते हैं। ये सब डिफिनेशन पहले लेक्चर में ही आपको लिखवाया गया था एग्जाम्पल सहित। 59 क्वेश्चन देखिए कह रहा कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करेंट सोर्स इज, आइडियल करेंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो ये जो 59 क्वेश्चन है इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा, कितना होता है, इन्फाइनाइट होता है। कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि विंस ब्रिज इज यूज्ड मेनली फॉर मेजरमेंट ऑफ, ठीक कह रहा कि विंस ब्रिज यूज किया था मेजरमेंट के लिए, किसके मेजरमेंट के लिए, डॉट देखिए लिखा हुआ बीच में, क्या मेजर करने के लिए, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, तो देखिए क्या होगा इसका, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। जनरली लार्ज फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, विंस ब्रिज को यूज करते हैं। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि ओपन सर्किट वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट हैविंग, ओपन सर्किट जब रहेगा तो वहाँ पे करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा, और करंट नहीं फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे जो इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट हो चुका है, इसका मतलब क्या होगा, जो बी नंबर ऑप्शन होगा क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, ये सब कापी में लिखवाया गया है आपके, देखिएगा जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो थ्रू अ लोड व्हेन द इम्पीडेंस इज, अब कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा जब इंपेडेंस का वैल्यू क्या होगा, तो शॉर्ट सर्किट करंट कब फ्लो करेगा, जब इंपेडेंस का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो इंपेडेंस जीरो होगा तभी तो करंट तेजी से फ्लो करेगा, शॉर्ट सर्किट होगा, इसका मतलब इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि थेवेनिन एंड नॉर्टन सर्किट आर इक्विवेलेंट एट, थेवेनिन और नॉर्टन सर्किट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं किस फ्रीक्वेंसी पे, तो इसका जो होगा आपका 54 नंबर क्वेश्चन का इसका आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू दो सर्किट हुज एलिमेंट ऑफ, सुपरपोजिशन थ्योरम किस पे लगाया जाता है, तो इसका डिफिनेशन लिखवाए थे आपको। ठीक, एनी लीनियर बायलेटरल एक्टिव एलिमेंट, ठीक तो देखिए लीनियर वर्डार स्टेटमेंट देखिएगा जो कॉपी में आपको लिखवाया गया। ठीक, ये क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम्स कैन बी अप्लाइड टू नेटवर्क इन विच देयर इज ओनली, इन विच देयर इज, और फिर ऑप्शन देखिए दिख रहा है आपको, तो इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें डीसी एसी दोनों रहे उसमें क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, मतलब कि डीसी में भी अप्लाई किया जा सकता है और एसी में भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक। देखिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ तो आपको दिक्कत जरूर हो रहा होगा कि सर जल्दी बता रहे हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हमको कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करना है, इस वजह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि थेवेनिन थ्योरम रिड्यूसेस अ टू टर्मिनल नेटवर्क टू, तो इसका 57 नंबर क्वेश्चन का जो आपका होगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब वोल्टेज जनरेटर इन सीरीज विथ इम्पीडेंस, आप थेवेनिन पढ़े होंगे लिखे होंगे ना, VTH और उसके साथ क्या लगाते हैं, सीरीज में ZTH लगाते हैं, ओके। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि इन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट लोड कैन बी फाइंड आउट बाय अप्लाइंग, लोड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें से क्या अप्लाई करना पड़ता है, तो 58 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के निकाला था, आप निकाले भी होंगे। 59 नंबर क्वेश्चन करा कि विच ब्रिज आर यूज फॉर इंडक्टेंस, कौन सा ब्रिज इंडक्टेंस के लिए यूज करते हैं, तो ये सब तो तरीका मैं बता ही दिया था, इसमें से आप आसानी से देख सकते हैं। इसका क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए लिखवाए थे ना LAMHO, तो देखिए इसमें हर एक ब्रिज आ गए, मैक्सवेल भी आ गया, ओन्स भी आ गया और एंडरसन भी आ गया, साथ हेज ब्रिज, मतलब ये सब ब्रिज क्या करते हैं, इंडक्टेंस मेजर करते हैं, ठीक। इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि द लीनियर नेटवर्क इज रिप्लेस्ड बाई एन इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट कंटेनिंग अ सोर्स ऑफ वोल्टेज VTH एंड रेजिस्टेंस RTH इन सीरीज, द करेंट इन लोड RL इज, तो RL के थ्रू जो फ्लो करने वाला करंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका क्या होगा आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये तो थेवेनिन थ्योरम आप पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच ब्रिज आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, कौन से ब्रिज को यूज करते हैं कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए, तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, CDS, देखिए लिखवाए थे ना CDS विंस, मतलब डीसाटी शेयरिंग और विंस तीनों ब्रिज क्या करते हैं, यूज करते हैं सी को निकालने के लिए, ओके। आज के इस लेक्चर में हम लोग बस 61 क्वेश्चन तक ही देखेंगे और बाकी जो चैप्टर हैं पार्ट बी के उसके MCQ ऑलरेडी पिछले साल ही अपलोड किए जा चुके हैं और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हैं, उनको भी आप अच्छे से देखिए और जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर मैं पार्ट ए का MCQ भी अपलोड करूँगा। कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपके बीच डेली नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा, आपका टाइम टेबल आ गया, 30 मई को एग्ज़ाम है तो हम लोग के पास मुश्किल से माना जाए तो 16-17 दिन बचे हैं, इन 16-17 दिन में अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट करनी है, ओके। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका अच्छे से तैयारी करा दिया जाए, तथा साथ ही साथ आप इसको देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, तथा कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, आपका एक कमेंट क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है अगले लेक्चर को अपलोड करने के लिए, क्योंकि इन MCQ को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है, जो भी इसको लिखता है कम से कम 3-4 घंटे उसका टाइम लगता है, तो कोई अगला मेहनत कर रहा है तो आपको उस पर रिस्पॉन्स ज़रूर करना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव जो रिस्पॉन्स हो आपको उस पर ज़रूर देना चाहिए, ताकि अगर निगेटिव रिस्पॉन्स रहेगा तो अपने कमी को सुधारा जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा उससे एनर्जी मिलेगा तो अगले लेक्चर को और अच्छे से अपलोड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।